और यह मजबूरी किसी एक दो संस्था की तरफ से दिखाई गई होती, किसी व्यक्तिगत स्तर पर किसी ने दिखाई होती तो समझ में आता है, लेकिन यह मजबूरी सरकार ने दिखाई हमारी, और उसको हम कहते हैं कि यह हिंदुस्तानी सरकार है, भारत की सरकार है। तो भारत की सरकार की वो कौन सी मजबूरी है? हमें ब्रिटेन की रानी का वैसे ही स्वागत करना पड़ता है जैसे हम गुलामी के दिनों में किया करते थे, ये कौन सी मजबूरी है? और अगर कोई मजबूरी है तो उसे समझना चाहिए हमको, क्योंकि यह मजबूरी कोई भारत सरकार की नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की मजबूरी है। जब जॉर्ज पंचम आया था 1911 में तो उसका 21 तोपों से स्वागत किया गया था, क्योंकि हम गुलाम थे। अब रानी एलिजाबेथ आई तो उसका भी 21 तोपों से स्वागत किया गया, क्योंकि हम आजाद हैं। यह फर्क कुछ समझ में आता?